और बुलेटिन में बात अब ललितपुर की, जहां पर उफनाई नदी पार कर रहा युवक बहा है। पानी का स्तर बढ़ने से बहा युवक, बहते युवक की तस्वीरें कैमरे में कैद। ललितपुर में उफनाई नदी में युवक बहा है, पानी का स्तर बढ़ने से बहा युवक, बहते युवक की तस्वीरें कैमरे में कैद। सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शहजाद नदी का मामला। उफनाई नदी से देखिए क्रॉस करते हुए डूबा है, उफनाई नदी पार कर रहा युवक बह गया है, तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई है। पानी का स्तर बढ़ने से बहा है युवक, बहते युवक की तस्वीरें कैमरे में कैद। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं इस मंजर का। पानी का स्तर बढ़ा, लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और ऐसे में उफनाई नदी पार कर रहा था ये युवक और नदी पार करते हुए बहा है, तस्वीरें कैमरे में क्या देखिए। ऐसे वक्त में हिदायत यही दी जाती है कि नदियों से दूर रहें, कोशिश करें कि इनके बीच में ना आना पड़े, लेकिन बावजूद उसके भी। और कन्नौज से खबर है जहां पर तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, बारिश से मौसम हुआ है सुहाना। सुबह से लगातार हो रही बारिश, बारिश से किसानों के चेहरे खिले हैं। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, बारिश से मौसम हुआ है सुहाना। सुबह से लगातार हो रही है बारिश, बारिश से किसानों के चेहरे खिले हैं। तो मौसम ने करवट ली है, लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है। और अंकित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अंकित, सुबह से ही मौसम सुहाना हो गया और खास बात यह है कि किसानों के चेहरे खिल गए हैं बारिश को देखकर। लोगों को पड़ी है और यहाँ तक देखा किसान को काफी राहत महसूस करेंगे। बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और मिर्जापुर से खबर है जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 32 पशुओं की मौत हुई है। मड़ियान थाना क्षेत्र के पटेहरा कला की घटना, आकाशीय बिजली गिरी है, 32 पशुओं की मौत हुई है आकाशीय बिजली गिरने से। मड़ियान थाना क्षेत्र के पटेहरा कला की घटना है, 32 पशुओं की मौत हुई है। यूपी में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। झांसी, गाजीपुर, देवरिया में लोगों को जबरदस्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। यूपी में बारिश और बाढ़ का सितम। कहीं गिरा पेड़, कहीं ढह गई मस्जिद। कटान से लोग हुए परेशान, घरों में घुसा बारिश का पानी। उत्तर प्रदेश में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, जिस वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर गाजीपुर की बात करें तो यहाँ गंगा उफान पर है। बाढ़ की चपेट में आकर 700 साल पुरानी मस्जिद का बड़ा हिस्सा गिर गया, जिस वजह से लोगों को मस्जिद में जाने से भी रोक दिया गया है। वहीं समेरा गांव में कटान की वजह से पेड़ गिर गया। गाजीपुर में ही बारिश का आलम यह है कि घाटों पर पानी है, इस वजह से शवों को सड़क पर ही जलाया जा रहा है और बाढ़ की वजह से किसानों पर भी मार पड़ी है। किसानों की कई बीघा फसल बर्बाद हो गई है। तो वहीं झांसी में भी लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों को उनके घरों में कैद कर दिया है। बारिश होने की वजह से नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। देवरिया में बाढ़ से परेशान लोगों को राहत देने के नाम पर सरकारी पैसों की लूट मची हुई है। गाँव वालों का आरोप है कि बाढ़ खंड विभाग और ठेकेदार मिलकर बाढ़ से बचाने के नाम पर लाखों रुपए की लूट कर रहे हैं, लेकिन इन्हें देखने वाला कोई नहीं। साथ ही गाँव वालों का कहना है कि हर साल बाढ़ विभाग के अफसर बाढ़ के पानी को रोकने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन बाढ़ को रोक नहीं पाते। यहाँ कुछ कोई व्यवस्था नहीं है बाढ़ रोकने के लिए, उनके संतुष्टि के लिए लगा है। अब भी कटान लगे ना तो इतना 10 फुट नीचे है, अब ये काटेगी नीचे से, जब पानी घटेगा तो काटेगी तो सब गिर जाएगा। ये सब फाइलिंग का कार्य 270 मीटर में
और बम्बू क्रेट का कार्य 170 मीटर में करा के गांव को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है और कार्य कराएंगे। वर्तमान में लगभग 30 से 40 लाख के का कार्य लगभग कार्यस्थल पे कराया जा चुका है। एक तरफ बाढ़ और बारिश का कहर तो दूसरी ओर बाढ़ राहत के नाम पर सरकारी धन में मची लूट। जनता में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन अधिकारी इसमें भी अपनी जेब गर्म करने में जुटे हुए हैं। हाल फिलहाल लोगों को ऐसे हालातों से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। तो झांसी स्मार्ट सिटी का दर्जा तो मिल गया है, लेकिन यहाँ के लोगों को राहत नहीं मिली है। जैसे ही वर्षा होती है तो लोगों के घरों में पानी भर जाता है, और आज से नहीं भर रहा है, कई वर्षों से पानी भर रहा है। यहाँ की नगर निगम की लापरवाही के कारण यहाँ के लोगों के घरों में पानी भर जाता है और नुकसान भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बात अमेठी की, जहाँ पर बारिश के चलते अचानक पेड़ गिरा, कार अनियंत्रित होकर दूसरे पेड़ से टकराई। बारिश की वजह से अचानक गिरा पेड़ और फिर कार अनियंत्रित होकर दूसरे पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार चालक घायल हुआ है, बाकी लोग बाल बाल बचे हैं। हाईवे पर आवागमन बाधित हुआ है, लोग बाल बाल बचे हैं। आवागमन बाधित हुआ है हाईवे पर, पेड़ हाई टेंशन तार पर गिरने से बिजली गुल। कोतवाली क्षेत्र के बेनीपुर पावर हाउस के पास की घटना है। बारिश के चलते अचानक गिरा पेड़ और आवागमन बाधित हुआ, कार अनियंत्रित होकर दूसरे पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार चालक घायल हुआ, बाकी लोग बाल बाल बचे हैं। पेड़ हाई टेंशन तार पर गिरने से बिजली भी गुल हुई है, तो कई तरह की समस्याएं। एक तरफ आवागमन बाधित, दूसरी तरफ बिजली भी गुल हो गई है। और सहारनपुर से खबर है, जहां पर डेंगू से दो और लोगों की मौत। कम प्लेटलेट सोने की वजह से मौत हुई है सहारनपुर में। डेंगू की वजह से दो लोगों की मौत हुई है, मोहल्ला खान आलमपुर का मामला। देखिए बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में कई तरह की बीमारियां भी दस्तक देती हैं। उसी में देखिए डेंगू से एक बार फिर से दो लोगों की मौत हुई है, मोहल्ला खान आलमपुर का मामला। लखीमपुर की खबर है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जिले में ये बेअसर है। देर रात तक डांस पार्टी में बजता रहा डीजे, डांस के दौरान बार बालाओं ने ठुमके लगाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी डीजे चल रहा है, डांस पार्टी हो रही है रात तक, डांस के दौरान बार बालाओं ने ठुमके लगाए। बिना अनुमति डांस पार्टी का आयोजन, बार बालाओं पर जमकर लुटाते रहे पैसा। डांस पार्टी का वीडियो वायरल, तकुनिया के बरसोला में हुआ आयोजन। सहारनपुर से खबर है, जहां पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्यवाही की है, 19 शिक्षकों पर बर्खास्त की कार्यवाही। सहारनपुर में बेसिक शिक्षा ने कार्यवाही की है, 19 शिक्षकों पर बर्खास्त की कार्यवाही की गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्यवाही की है, लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे थे शिक्षक, 19 शिक्षकों को बर्खास्त की कार्यवाही। लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे थे एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवा समाप्त। बीएसए के 22 शिक्षकों को नोटिस भेजा था, निरीक्षण के दौरान गैर हाजिर मिले थे शिक्षक, और अब बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्यवाही की है, 19 शिक्षकों पर बर्खास्त करने की कार्यवाही। लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे थे शिक्षक, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवा समाप्त। वहीं बीएसए ने 22 शिक्षकों को नोटिस भेजा था और निरीक्षण के दौरान गैर हाजिर मिले थे शिक्षक।
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की। 19 शिक्षकों पर बर्खास्त करने की कार्रवाई। लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे थे ये शिक्षक। और आगरा की खबर है जहां पर 2 दारोगा और 4 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज। थर्ड डिग्री के मामले में मुकदमा दर्ज। आरोपियों को बचाना चाहते हैं अधिकारी। पीड़ित को दोषी बनाने के लिए पीटा था। पिनाहट पुलिस ने जानवरों की तरह की थी पिटाई। तो आगरा में 2 दारोगा और 4 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज। थर्ड डिग्री के मामले में मुकदमा दर्ज। आरोपियों को बचाना चाहते हैं अधिकारी। पीड़ित को दोषी बनाने के लिए पीटा था। पिनाहट पुलिस ने जानवरों की तरह की थी पिटाई। तो आगरा में 2 दारोगा और 4 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज। थर्ड डिग्री के मामले में मुकदमा दर्ज। आरोपियों को बचाना चाहते हैं अधिकारी। पीड़ित को दोषी बनाने के लिए पिटाई की थी। पिनाहट पुलिस ने जानवरों की तरह पिटाई की थी। और गाजियाबाद से खबर है जहां पर रंजिश में गोली मारकर युवक की हत्या। प्रेमनगर में युवक की हत्या से हड़कंप। गाजियाबाद में रंजिश में गोली मारकर युवक की हत्या। प्रेमनगर में युवक की हत्या से हड़कंप। बदमाशों ने नफीस की सरेरा हत्या की। मृतक युवक सट्टेबाजी का काम करता था। लोनी थाना क्षेत्र के प्रेमनगर की घटना। गोरखपुर से खबर है जहां पर तेज रफ्तार ट्रेलर पोल तोड़कर घर में घुसा। खड़ी कार में जा घुसा ट्रेलर। तेज आवाज से इलाके में हड़कंप मचा। हादसे में सभी लोग बाल बाल बचे। ट्रेलर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खजनी के इलाहाबाद बैंक के पास का मामला। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भयंकर हादसा हो सकता था। हालांकि हादसे में लोग बाल बाल बचे हैं। घर में ये ट्रेलर घुसा और कार को जाकर टक्कर मारी। इलाहाबाद बैंक के पास का मामला। और लखीमपुर खीरी से खबर जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश को पुलिस की गोली लगी है। 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हुए। घायल बदमाश जिला अस्पताल में भर्ती। निघासन के सोठियाना के पास मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार। लखीमपुर खीरी में एनकाउंटर ताबड़तोड़। घायल बदमाश जिला अस्पताल में भर्ती। हालांकि देखिए सफलता भी मिली है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। वहीं बुलंदशहर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है। 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। एक बदमाश मौके से फरार हुआ है लेकिन 20,000 का इनामी पकड़ा गया है। लूट के मामले में चल रहा था फरार। खोखा कारतूस समेत बाइक बरामद। नगला किड्डा के पास हुई मुठभेड़। 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मथुरा में थाना वृंदावन इलाके के केश कात्यायनी मंदिर में बदमाशों ने मंदिर में रह रहे महंत को हथियारों के दम पर बंधक बना लिया। मंदिर में रहने वाले लोगों ने जब विरोध किया तो बदमाशों ने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल महंत के भतीजे मयूर गोस्वामी से बांके बिहारी मंदिर में किसी बात को लेकर बातचीत हो गई जिसका बदला लेने के लिए बदमाश वहां पहुंचे थे। तो विरोध करने पर पथराव किया गया है। आप तस्वीरों को देखकर समझिए फायरिंग कर मौके से हुए हैं फरार और पथराव भी किया है। सारी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। सीसीटीवी ये पूरी घटना कैद हुई है। मथुरा में देखिए किस प्रकार से दबंगई दिखा रहे हैं। महंत को बंधक बनाया। जबरदस्त तरीके से मारपिटाई की है। सबसे ज्यादा लगी है बाकी मयूर की। तो मथुरा में देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं। और कानपुर से खबर है जहां पर सड़क पर दिखा है जंगलराज। युवक को खंभे से बांधकर लोगों ने पिटाई की है। सड़क पर चलता रहा भीड़ का तमाशा। सीमा विवाद के चलते पुलिस ने संज्ञान तक नहीं लिया। किदवई नगर और बाबूपुरवा पुलिस ने पल्ला झाड़ा है। वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस अनजान बनी हुई है। पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। सड़क पर जंगलराज। सीमा विवाद के चलते संज्ञान नहीं लिया। देखिए किस प्रकार से इसकी पिटाई की जा रही है। लोग तमाशा देख रहे हैं। कुछ लोग वीडियो बनाने में मशगूल।
कन्नौज के छिपरा मऊ में 3 दिन पहले मामूली बात को लेकर लेखपाल और अधिवक्ताओं में मारपीट हुई थी, जिसमें पुलिस ने लेखपालों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस के खिलाफ लेखपालों का धरना, कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी की, जिसके विरोध में लेखपालों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। डीएम के तबादले की मांग की है। लेखपालों ने जिलाधिकारी के स्थानांतरण के बाद हड़ताल खत्म करने की मांग की है। कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी। और आगरा की खबर है, जहां पर तालाब में कूदे पति पत्नी, पति की हुई है मौत, पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। गृह कलेश के चलते कूदे दोनों लोग, मलपुरा थाना क्षेत्र का मामला है। गृह कलेश के चलते दोनों कूदे, पति की मौत हुई, पत्नी की हालत गंभीर है। लखनऊ से खबर है, जहां पर एसएसपी नैथानी ने अफसरों के साथ बैठक की। एसपी, सीओ और थाना प्रभारी बैठक में शामिल, उपचुनाव पर्व और अपराध को लेकर निर्देश दिए गए हैं। अगले महीने फिर से होगी समीक्षा बैठक, तो एसएसपी की बैठक हुई है अफसरों के साथ। आने वाले समय में पर्व त्योहार हैं और आने वाले समय में उपचुनाव भी होने हैं, जिसको लेकर ये बैठक की गई। अगले महीने फिर से होगी समीक्षा बैठक। रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत समाचार।